महानवमी 11 अक्टूबर शुरू शुक्रवार को होगी। हालांकि कई स्थानों पर दुर्गा अष्टमी और महानवमी एक ही दिन है यानी कि 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। अलग अलग पंचांगों में तिथियों के समय में भिन्नता होने के कारण ऐसा हो रहा है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजा को कुमारी पूजा और कंजक पूजा भी कहते हैं। इसी के साथ आपको भी बताते चले कि कन्या पूजा करनी है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये जानना चाहिए कि पूजा में किस उम्र की कन्याएं होनी चाहिए और उनकी संख्या कितनी हो, तिरुपति के ज्योतिषचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार के मुताबिक हम आपको बताते चले कि कन्या पूजन से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, पूजा में कितनी कन्या हो और की संख्या होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आप सभी दिन कन्या का पूजा कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण लोग दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं। पूजा में आप 1 से लेकर 9 की संख्या तक कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। पूजा में जितनी कन्याएं होंगी वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। इसी के साथ कन्या पूजा में आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं, यानी कि हर उम्र की कन्या को अलग अलग माता का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी को एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, दूसरी कन्याओं की पूजा से भोग, तीसरी कन्याओं की पूजा से पुरुषार्थ, 4 से 5 कन्याओं की पूजा करने से वृद्धि और विद्या, और साथ ही साथ 6 कन्याओं की पूजा करने से सफलता, 7 कन्याओं की पूजा करने से परम पद, और साथ ही साथ 8 कन्याओं की पूजा करने से अष्ट लक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा करने से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उम्र के अनुसार कन्या पूजा के क्या कुछ फायदे हैं आइए जानते हैं। नवरात्रि में 2 साल की कन्या की पूजा से धन ऐश्वर्य, 3 साल की कन्या की पूजा से धन धान्य, 4 साल की कन्या की पूजा से कल्याण, 5 साल की कन्या की पूजा से रोगों से मुक्त, 6 वर्ष की कन्या की पूजा से राजयोग, विद्या की पूजा से, 7 वर्ष की कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 8 साल की कन्या की पूजन से विवादों से मुक्ति, 9 वर्ष की कन्या की पूजन से दुश्मनों पर जीत और 10 वर्ष की कन्याओं की पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 2 साल की कन्या माँ कुमारी का स्वरूप होती है। इसी के साथ 3 वर्ष की कन्या देवी तिरुमति का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ बताते चले कि 4 साल की कन्या देवी कल्याणी का स्वरूप होती है और साथ ही साथ 5 वर्ष की कन्या देवी रोहिणी का रूप होती है। इसी के साथ बताते चले कि आपको 6 वर्ष की कन्या भी माँ का स्वरूप होती है यानी कि माँ कालिका का स्वरूप उन्हें माना जाता है, और साथ ही साथ 7 वर्ष की कन्या को भी देवी चंडिका का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ बताते चले कि 8 वर्ष की कन्या को भी माँ शांभवी का स्वरूप माना जाता है, यानी कि माँ का ये जो रूप होता है बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। 9 साल की कन्या को भी आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। बताते चले इसी के साथ 9 कन्याओं के पूजन से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और 10 वर्ष की कन्या को देवी सुभद्रा कहा जाता है जो की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कन्या पूजन कैसे करें आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट स्पीच वर्ल्ड।